पाकिस्तान और उसी हिंदू ने टेस्ट सीरीज जिताई। मैंने कहा अब बोल कनेरिया ने और यार मैंने बात खुल जाएगी वैसी कि सर ये यहाँ से खाना क्यों ले रहा है। मैं कह मैं तुम्हारा उठा के ना तुम्हें उठा के पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर दानिश कनेरिया और मोहम्मद यूसुफ को मिल सकती है भारत की नागरिकता। जी हां, मैं सी ए की बात कर रहा हूं। सी ए के तहत अब इन दोनों खिलाड़ियों को भारत की नागरिकता मिल सकती है, इसमें अब कोई परेशानी नहीं होगी। ये बात सुनकर चौंकने की जरूरत नहीं है, ये बात हम नहीं कह रहे हैं, ये बात योगी सरकार के मंत्री मोहसिन रजा कह रहे हैं। मोहसिन रजा ने कहा है कि दानिश कनेरिया और यूसुफ यहाना भारत में ले सकते हैं नागरिकता, उनका स्वागत है। आप देख रहे हैं द इंडियन इंफॉर्मेटिव स्टूडियो, मैं हूं आपके साथ यासीन मिश्रू। उत्तर प्रदेश के योगी सरकार में कैबिनेट मंत्री मोहसिन रजा ने कहा है कि पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर दानिश कनेरिया और मोहम्मद यूसुफ को भारत की नागरिकता मिल सकती है। मोहसिन रजा ने कहा है कि पाकिस्तान में देखा जा सकता है कि किस तरीके से लोगों के साथ भेदभाव किया जाता है धर्म के ऊपर, धर्म को पैमाना बनाकर लोगों के साथ भेदभाव किया जाता है। जब इतने बड़े खिलाड़ियों के साथ भेदभाव हो सकता है पाकिस्तान में, तो फिर आग नागरिक का क्या होगा। दानिश कनेरिया पहले दिनेश कनेरिया थे, उनको दानिश कनेरिया बना दिया गया और यूसुफ योहाना को मोहम्मद यूसुफ बना दिया गया, ऐसा कहना है मोहसिन रजा का। मोहसिन रजा ने कहा जब इन खिलाड़ियों के साथ ऐसा हो सकता है तो फिर पाकिस्तान के आम नागरिक के साथ क्या होता होगा, इसका अंदाजा लगाना कोई बड़ी बात नहीं है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि सी डबल ए में ये दानिश कनेरिया कहां से आ गए और मोहसिन रजा साहब को यह बयान देने की ज़रूरत क्यों पड़ी। तो मोहसिन रजा साहब को यह बयान देने की ज़रूरत इसलिए पेश आई क्योंकि शुएब अख्तर ने एक बाउंसर मारा है, यानी कि शुएब अख्तर ने एक खुलासा किया है। पाकिस्तान के एक टीवी शो के चैट शो में शुएब अख्तर राशिद लतीफ़ के साथ बैठे हुए थे। राशिद लतीफ़ पाकिस्तान के पूर्व विकेट कीपर हैं और ये कप्तान भी रहे हैं पाकिस्तान की। कई मैचों में राशिद लतीफ़ ने भी मेज़बानी की है पाकिस्तानी टीम की। शुएब अख्तर ने खुलासा किया कि दानिश कनेरिया के साथ पाकिस्तानी क्रिकेट टीम में भेदभाव होता था, दानिश कनेरिया के साथ बहुत ज़्यादा नाइंसाफ़ी हुई है, दानिश कनेरिया को परेशान किया जाता था। यहाँ तक शुएब अख्तर ने कहा कि कुछ खिलाड़ी दानिश कनेरिया के साथ खाना खाना भी पसंद नहीं करते थे क्योंकि दानिश कनेरिया एक हिंदू था। हालांकि राशिद लतीफ ने मोहम्मद यूसुफ का जिक्र किया कि बताया कि यूसुफ यहानों को भी ड्रेसिंग रूम में काफ़ी तंग किया जाता था क्योंकि वो ईसाई थे। तो आप सोचने वाली बात यह है कि पाकिस्तान में अगर इन खिलाड़ियों के साथ भेदभाव हो रहा है, ऐसे बड़े खिलाड़ियों के साथ भेदभाव हो रहा है, तो आम जनता के साथ क्या होता होगा। इसलिए मोहसिन रजा साहब ने कहा कि हम यूसुफ योहाना को, यानी कि जो अब मोहम्मद यूसुफ हैं, और दानिश कनेरिया को भारत की नागरिकता दे सकते हैं। इससे पहले गौतम गंभीर ने भी इस बात, जो विवाद चल रहा है, उसमें अपना बयान क्या दिया था कि इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि पाकिस्तान के क्या हालात हैं। गौतम गंभीर ने कहा कि इससे पाकिस्तान का असली चेहरा सामने आता है। हम आपको बता दें कि दानिश कनेरिया का जन्म कराची में हुआ था और उन्होंने 61 टेस्ट मैच खेले हैं और जबकि 18 वनडे भी दानिश कनेरिया को खिलाए गए हैं। उनके नाम 261 टेस्ट विकेट हैं और वनडे में भी 15 विकेट दानिश कनेरिया ने छटके हैं। उनके करियर का आखिरी टेस्ट मैच इंग्लैंड के खिलाफ जुलाई 2010 में था। हालांकि दानिश कनेरिया बैन चल रहे हैं, दानिश कनेरिया स्पॉट फिक्सिंग की वजह से उन पर लाइफ टाइम बैन लगा हुआ है। बहरहाल सीएए ने जो है एक और मौका दिया है, एक नई कंट्रोवर्सी को जन्म दिया है और शुएब अख्तर जो ज़्यादातर बड़े बड़े खुलासे करते हैं, मैदान में बड़े बड़े बाउंसर्स मारते थे, अब जब वो मैदान से बाहर हैं, रिटायर हैं, तो वो मैदान के बाहर भी बड़े बड़े बाउंसर मार रहे हैं। इसी बीच एक बात ये भी है कि श्रीलंका में भी कुछ तमिल मुस्लिम खिलाड़ी थे,
जिन्होंने अपना धर्म बदल लिया था, उन पर अभी तक कोई कंट्रोवर्सी ऐसी ही नहीं हुई है। क्या श्रीलंका में ऐसा भेदभाव नहीं होता था या नहीं होता है? बहरहाल फिर किसी और न्यूज़ के साथ होगी आपके साथ मुलाकात। आप बने रहिए द इंडियन इन्फॉर्मेटिव स्टूडियो के साथ। जय हिंद।